तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आयोग तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारे यूपी पीसीएस और आरओ यारो के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया है, जो हम परीक्षार्थी उसका विरोध कर रहे हैं। सर, हम ये चाहते हैं कि एस्पिरेंट्स के समय का जो मूल्य है उसको समझा जाए। हम लोग नॉर्मलाइजेशन को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ताकि बाहर निकलो मैदानों से, बाहर निकलो मैदानों से। यहाँ हर अभ्यर्थी परीक्षा देने आया है, ना ही वो कोई ऐसा बड़ा आंदोलन करने आया है, बल्कि अपनी जो हक की लड़ाई है। प्रयागराज, तुम संघर्ष करो। सर, हमारा जो यूपी पीसीएस का एग्जाम है उसमें पहले कोई शिफ्ट नहीं होती थी, एक दिन में पेपर होता था। तो अब ये जो इन्होंने नया नियम लागू किया है, अभी जो 5 नवंबर को जो नोटिस आई है उसमें कहा कि हम 2 दिन पीसीएस का पेपर लेंगे, 7 और 8 तारीख को, ठीक है, और सर आरओ का लेंगे 22 और 23। तो हमारा ये कहना है कि जैसे पहले परीक्षाएं होती थी आप वैसे ही कराइए। बात थी पेपर लीक की, तो उसमें हम नियम कानून आपको सेट करना था, उसमें आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत थी, ना कि सर जो परीक्षा प्रणाली थी उसमें आपने चेंजेस लिया, क्योंकि इससे सिर्फ अभ्यर्थियों का नुकसान ही होगा। तो सर, हम ये चाहते हैं कि एस्पिरेंट्स के समय का जो मूल्य है उसको समझा जाए, क्योंकि इस वर्ष जो है कोई भी परीक्षा नहीं हो पाई है। सर, समय की गंभीरता को समझते हुए चीज़ों को सही निर्णय लें और अभ्यर्थियों को मौका दें कि हम अपनी परीक्षा दें, क्योंकि यहाँ हर अभ्यर्थी परीक्षा देने आया है, ना ही वो कोई ऐसा बड़ा आंदोलन करने आया है, बल्कि अपनी जो हक की लड़ाई है उसको लड़ना है, अपनी मांगों को जो वो कह रहा है वो जायज़ है। सर, डीएम साहब को ही क्या बोल सकते हैं, क्या उम्मीद लगाए हैं? हमारी यही उम्मीद है कि वो हमें सुनेंगी, समझेंगी, क्योंकि वो भी, उनका भी बैकग्राउंड वही रहा है, वो भी इसी प्रोसेस से कहीं ना कहीं गुजरे। अगर नहीं सुनवाई हुई तो अगला कदम क्या है? सर, तो हम सब लोग साथ में बैठ के विचार विमर्श करेंगे और जैसा भी उसका जो भी परिणाम रहता है, जो भी हमें समझ में आएगा कि उचित है, जिससे कि हमारी चीज़ों को कोई मतलब गलत फ़ायदा ना उठाए, हम अपनी मांगों को सही तरीके से रख पाए, वो सब कदम हम उठाएं। देखिए, आपको पता होगा कि पिछले 3 दिनों से प्रयागराज में हमारे जो साथी हैं वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं, और उसका मेन कारण ये है कि जो आयोग है इसने हमारे यूपी पीसीएस और आरओ यारो के एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया है, जो हम परीक्षार्थी उसका विरोध कर रहे हैं। आयोग पिछले 3 दिनों से हम लोगों की बातों को नहीं सुन रहा है, इसलिए हम सभी ने यह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मुख्यालयों के ऊपर हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देंगे, और अभी हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, अभी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि आयोग हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम लोग अनशन के ऊपर बैठेंगे। हम लोग नॉर्मलाइजेशन को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।